सो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 44 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच खत्म हो चुका है एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग के जीतते यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आखिर कौन सी टीम कौन से पोजिशन पे आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल मैं आपको इस ओवर बताने वाला दोस्तों। वीडियो नाला बहुत इंटरेस्टिंग तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी के एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो ऐसे बात करते हैं आठवें पोजीशन की। तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे आठवें पोजीशन पे है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जहाँ दोस्तों हैदराबाद की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में दो मुकाबले जीती है, नौ मुकाबला हारी है, चार पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए सातवें स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे सातवें स्थान पे है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जहाँ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में चार मुकाबले जीती है, सात मुकाबला हारी है, आठ पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.468 का। अब दोस्तों बात करते हैं छठवें स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे छठवें स्थान पे है पंजाब किंग्स की टीम। जहां दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में से चार मुकाबला जीती है, सात मुकाबला हारी है, आठ पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.288 का। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे पांचवें स्थान पे है मुंबई इंडियंस की टीम। जहां दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में पांच मुकाबला जीती है, छह मुकाबला हारी है, 10 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.453 का। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे स्थान की, दुगा सब पॉइंट टेबल पे चौथे स्थान पे है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जहां दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में पांच मुकाबला जीती है, छह मुकाबला हारी है, 10 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.363 का। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे स्थान की, दुगा सब पॉइंट टेबल पे तीसरे स्थान पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जहां दोस्तों आरसीबी की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैच में सात मुकाबला जीती है, चार मुकाबला हारी है, 14 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.200 का। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे दूसरे स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जहां दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में आठ मुकाबला जीती है, तीन मुकाबला हारी है, 16 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.562 का। अब दोस्तों बात करते हैं पहले स्थान की, तो गाइस अब पॉइंट टेबल पे पहले स्थान पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कुल 11 मैचेस खेले, उन 11 मैचेस में नौ मुकाबला जीती है, दो मुकाबला हारी है, 18 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट अभी भी प्लस में चल रहा है एंड इसी जीत के साथ अब चेन्नई सुपर किंग की टीम पहली टीम बन चुकी है जो यहां पे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। एंड आपकी अभी फेवरेट टीम कौन से पोजीशन पे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस जो अगला मैच है वो यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में मैच खेला जाएगा। आखिर मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देख लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।